is presented by Rahman Institute of Humanism. This is Ariba Mar from BS Clinical Psychology. This is the 10th lecture by Psychology video series, and we are going to be starting with brain bio and chemistry, starting off with the key terms. As far as the slides are concerned, you will get the link of slides in the description box below. Okay, so we are going to be starting with the key terms that falls under brain bio. Like, is course ko start karne se pehle, these are the key terms that you should know about. Major, bahut 4-5 key terms, and they are with a very basic knowledge. They're bahut basic. These are just the definitions, a concept. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बायोसाइकोलॉजी. अब हमारे पास बायोसाइकोलॉजी क्या होती है कि एक्चुअली इट्स बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो कि एनालाइज कर रही होती है कि It's a key term, it's an umbrella term, biopsychology. इसके अंदर हमारे सारा कुछ आ जाता है. इसके अंदर हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग, हमारे जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग, हमारे स्टमक की फंक्शनिंग, हमारे जो है हमारे पैंक्रियाज की फंक्शनिंग, हमारे लंग्स की फंक्शनिंग, स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग, मसल्स, हमारे एज अ होल बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है ना वो आ जाती है. और हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के, इनकी फंक्शनिंग किस तरह से हमारे बिहेवियर्स को, हमारे थॉट प्रोसेसेस को, हमारी फीलिंग्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है. ठीक है, हमारा ब्रेन किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में अगर डिसफंक्शनिंग आ गई तो वो हमारे बिहेवियर को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है. तो बायोसाइकोलॉजी में वी टेक आवर बॉडी एज अ होल, सारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं हम उसको रिलेट करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग और इधर उनकी डिसफंक्शनिंग किस तरह से हमारे हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे बिहेवियर्स को किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. द नेक्स्ट वन इज न्यूरोसाइकोलॉजी. अब बायोसाइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी में क्या फर्क है कि बायोसाइकोलॉजी में हम एज अ होल ले रहे होते हैं, ठीक है, एज अ होल अपनी बॉडी को. फॉर एग्जाम्पल, If my lungs are not functioning well, तो मेरा बिहेवियर क्या होगा, ठीक है, मेरा बिहेवियर होगा कि मुझे सांस लेने में मसला होगा, मे बी समटाइम्स मैं एग्रेशन शो करूं. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बीमारी की वजह से जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं. अगर मेरी स्पाइनल कॉर्ड में कोई इशू है, मैं नहीं चल पा रही हूं, तो मेरे उससे मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, मेरे बिहेवियर का उसके ऊपर क्या असर होगा. तो बायोसाइकोलॉजी इज एक्चुअली अ अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर अपनी एज अ होल बॉडी को देखते हैं. एंड देन उसके अंदर हमारे पास न्यूरोसाइकोलॉजी आती है. अब न्यूरो वर्ड से हमें पता चल गया, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बाउंड अप होती है, कि ये बताती है कि हमारी कॉग्निशन, किसी भी बंदे का जो बिहेवियर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, हमारा ब्रेन, हमारे न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग, हमारे न्यूरल सेल्स की फंक्शनिंग, हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आती है, उनकी फंक्शनिंग, ये स्पेसिफिक एक एरिया हमने ड्रॉ कर दिया, उनकी फंक्शनिंग किस तरह से हमारे जो नर्वस सिस्टम है, किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी है, किसी भी बंदे की बिहेवियर है, उसको किस तरह से वो अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा फ्रंटल लोब है, ठीक है, आगे जाके हम लोब्स पढ़ेंगे, उसमें हम डिसफंक्शनिंग भी पढ़ेंगे. तो फ्रंटल लोब है, अगर हमारे फ्रंटल लोब में कोई मसला है तो वो किस तरह से मेरी इन सारी चीज़ों को, मेरे बिहेवियर को करेगा कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस मुझे शुरू हो जाएंगी, लर्निंग इश्यूज मुझे आना शुरू हो जाएंगे, मेरी वॉलंटरी मूवमेंट्स मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगी. तो इस तरह से हमने एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया न्यूरोसाइकोलॉजी के अंदर कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, दैट इंक्लूड्स आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसकी फंक्शनिंग, उसकी डिसफंक्शनिंग का हमारे बिहेवियर, पर्सनैलिटी, थॉट प्रोसेसेस पे क्या फर्क पड़ता है. नेक्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक सेंटर होता है, जहाँ पे हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती हैं, वो इंटरप्रेट होती हैं डिफरेंट पार्ट से, हमारे सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं हमारे ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के, वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, मसल मूवमेंट्स को, ब्रेन हमारी लर्निंग को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है सेंसरी उसको इंटरप्रेट करता है, हमारे विजन को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है. तो एज अ होल इसके अंदर हमारे पास फंक्शनिंग आ जाती है, ये बॉडी का मेन सेंटर होता है. और इसके दो यूनिट्स होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सिंपल.
द नेक्स्ट की टर्म इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब जो सारी जो सी हमारी नर्व्स होती हैं, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांच आउट कर रही होती है ना, दे फॉल अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता क्या, इट कंप्राइजेज ऑफ नर्व्स, इसके अंदर नर्व्स ही नर्व्स होती हैं. तो ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको हमारी बॉडी के साथ जो रेस्ट ऑफ बॉडी है ना उसको कनेक्ट करता है. इट्स एक्चुअली एक्ट एज अ कनेक्शन. कनेक्शन होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारी बॉडी. जो मैसेजेस ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं ना हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उन सबको ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है. सारी ब्रेन और बॉडी के बीच में जो सी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वजह से हो रही होती है. दो टाइप्स हैं हमारे पास इसके अंदर, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक. जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर हमारी सारी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होती हैं वो इसके अंदर लाइक करती हैं. फॉर एग्जाम्पल हम जंप कर रहे हैं, हम वी आर वॉकिंग, वी आर टॉकिंग, वी आर राइटिंग यूजिंग आवर मसल्स, ठीक है, वी आर प्लेइंग. तो ये सारी चीज़ें हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर है, तो ये हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर फॉल करेंगी. द नेक्स्ट वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे सारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारी मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हमारी ब्रीदिंग, हम किस तरह से हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी डाइजेशन, हमारी पल्स, हमारा ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती हैं. द नेक्स्ट इज हारमोन्स. अब हारमोन्स क्या होते हैं, हारमोन्स होते हैं हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. ये केमिकली इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रांसफॉर्म करते हैं. हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं दैट इंक्लूड्स थायराइड ग्लैंड हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकता है, ठीक है, वो हमारे जो केमिकल्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं. और ये हमारी बेसिकली फिजियोलॉजी पे जो है ना हमारे फोकस कर रहे होते हैं. हमारी फिजियोलॉजी के अंदर हमारी डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है, डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ के अंदर हमारे किस तरह से हम डेवलप कर रहे होते हैं, हमारी हाइट क्या हो रही होती है, हमारी एज क्या हो रही है, हमारे जो फेशियल हमारे जो उनसे फीचर्स हैं उसको, हमारे मेटाबॉलिज्म को, यानी कि हमारी फिजियोलॉजी को कंट्रोल कर रहा होता है. इसके अंदर आ जाते हैं फॉर हम देखते हैं कि किसी की हाइट छोटी हो जाती है तो हम कहते हैं इसके अंदर शायद हार्मोन्स की कमी है. इवन गर्ल्स के फेस पे अगर हेयरिंग का प्रॉब्लम हो जाए तो कहते हैं कि इसको कोई हार्मोनल मसला है. तो ये हमारी बेसिकली फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है और सम हाउ हमारे बिहेवियर्स को भी कंट्रोल करता है. कि हम देखते हैं कि हम कहते हैं डोपामीन हमारा हैप्पी हार्मोन है. डोपामीन मतलब हमारे ब्रेन सेल्स को वो इनकरेज करता है कि वो प्लेजरेबल वे में एक्ट करें और हमें उससे खुशी मिलती है, वी सीक प्लेजर. द नेक्स्ट आर नर्व्स. नर्व्स क्या होती हैं, न्यूरॉन्स एंड नर्व्स आर बेसिकली सेम. न्यूरॉन्स के जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं, उसको हम नर्व्स कहते हैं. वो क्या करते हैं कि ये रिसीव करते हैं मैसेजेस को हमारी बॉडी के बीच में, हमारे ब्रेन के बीच में जो भी मैसेजिंग हो रही होती है ना, ये जो बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं नर्व सेल्स, इनके थ्रू हो रही होती है. ये जो उनसे होते हैं हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो मेकअप करते हैं न्यूरॉन्स, इवन उनका भी स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और ये हमारी सारी मैसेजिंग को कंट्रोल कर रहा होता है हमारे ब्रेन के बीच में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में. द नेक्स्ट वन वी हैव इज न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारे पास वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यूनिट होते हैं जो कि हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर हमारे जो मोटर मसल्स होते हैं उनको कमांड देते हैं कि आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है. इसके अंदर हमारे पास सेल बॉडी होती है, एक सोमा डेंड्राइट्स होते हैं. डेंड्राइट्स क्या होते हैं कि एक्सटेंशंस होती हैं जो हमारे सेंसरी सेल्स है ना. फॉर एग्जांपल कि मैंने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है तो मेरे सेंसरी सेल्स, पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स को देंगे, ठीक है. वो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स जो है वो आगे एक्सॉन को ट्रांसफर करेगा और एक्सॉन मेरे स्केलेटल मसल्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे जो इमिडिएटली मुझे बताएंगे कि मुझे अपना हाथ उठाना है. तो इसके अंदर भी क्या होता है कि ये हमारी सेंसेस से जो हमारी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, उसको वो इंटरप्रेट करता है और फिर फर्दर मोटर जो मसल्स होते हैं उनको कमांड देता है कि वॉट फंक्शन दे हैव टू परफॉर्म. ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है कि आपकी ब्रेन के अंदर जो आपकी नर्व्स हैं, आपकी ब्रेन के अंदर जो आपके नर्व सेल्स हैं, ठीक है, जो न्यूरल कनेक्शंस हैं, जो न्यूरल आपके नेटवर्क्स हैं, उनकी ये कैपेसिटी होती है कि वो किस तरह से अपने रिस्पॉन्सेस को, किस तरह से वो अपने बिहेवियर को, अपने वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग को वो किस तरह से मोल्ड करते हैं, अडेप्ट करते हैं. अगर उनको कोई नई सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर उनको कोई नया स्टिमुलस मिल रहा है, और इवन
केस ऑफ एनी डिसफंक्शनिंग न्यूरोडिजेनरेशन के केस में किस तरह से अपने जो फंक्शंस हैं उनको वो मोल्ड अप करके एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे होते हो तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपकी लर्निंग कैपेसिटीज होती हैं, वो एक नया सेंसरी स्टिमुलस उनको रिसीव हो रहा है कि वो एक लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें, तो वो किस तरह से मोल्ड अप करते हैं। आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, एक्सरसाइज करते हुए भी आपकी बॉडी पहले बहुत शुरू में रिएक्ट करती है, देन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, अपने मोल्ड अप कर लेती है अपनी वे ऑफ बिहेविंग को। तो दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि आपका जो ब्रेन है उसके अंदर जो न्यूरल कनेक्शन है वो किस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं जब उनको कोई एक नया स्टिमुलस मिलता है। न्यूरोडीजनरेशन में क्या होता है, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, या मोस्टली हमारी ओल्ड एज में, लेट एडल्टहुड में जाके होता है, ठीक है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो रहा होता है। इसमें आपको डिजीज, अगर तो वो डीजनरेट हो रहे हैं ना, तो आपको डिजीजेस भी हो सकती हैं, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, कोई भी डिजीज किसकी वजह से हो सकती है। लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप लेट एडल्टहुड में जाते हो, ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी एज आपकी बढ़ती जाती है ना, तो ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो 80s प्रोबेबली 70s में हैं, उनको उनको याद नहीं रहता, उनको मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, उनका मूड कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, उनको एंग्जाइटी इश्यूज शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके न्यूरॉन्स बेसिकली डीजेनरेट करना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ये एज की वजह से भी होता है। द नेक्स्ट वन वी हैव इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होती है, ये आपके बॉडी के फंक्शंस होते हैं कि वो किस तरह से एक स्टेबिलिटी किस तरह से मेंटेन करें, इन्वायरमेंटल चेंजेस मतलब आपके जो कंडीशंस हैं उनको किस तरह से वो आपके जो ऑप्टिमल सर्वाइवल के लिए जो कंडीशंस हैं उनको वो किस तरह से बैलेंस आउट करें कि एक बैलेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में क्या होता है, आपके जो इंटरनल बॉडीली फंक्शंस होते हैं, आपका जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस होता है, किस तरह से वो आपका इन्वायर को लेके चलते हैं, आपका अगर बहुत ज्यादा आप हीट में हो तो किस तरह से वो आपकी बॉडी को कूल डाउन करते हैं, बहुत ज्यादा आप कोल्ड टेम्परेचर में तो किस तरह से वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर हीट अप करते हैं, किस तरह से उसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज होम्योस्टेसिस।